चालू करके दिखाता हूँ। मैं जो इस गाड़ी का जो आवाज़ इतना प्यारा है कि क्लच पकड़ना पड़ेगा और दूसरा कोई है नहीं मेरे साथ, तो मैं पहले चालू करता हूँ। बंदा सो रहा था बाजू में, वो उठ के आ गया अचानक, मेरे को बहुत हंसी लगी। तो सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मिस्टर मैकेनिक में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सा ब्लॉक लेके फिर मैं आया हूँ। एक बेनेली 600 का पीछे का डिस पैड चेंज करना है और ये मेरे गैरेज है जो सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं और फिलहाल मैं इसका छोटा सा डिस पैड मैंने ओरिजिनल शोरूम से मंगाया है जो हमारे नियरमा भाई मुंबई में थाने में रहता है इसका सर्विस सेंटर। तो मैं इसे अभी खोलता हूँ और इसका डिस पैड चेंज करता हूँ। आप देख सकते हैं बेनेली 600 ABS है। तो मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आप भी गेस्ट करें इसका डिस पैड कितने तक रहेगा। तो सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं अभी डिस्प्ले इतना निकल रहा है। वहाँ पे एक पिन रहता है, जैसे वो पिन को हमें पहले पंच करना रहता है फिर वो निकलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये इसका पिन है जो भी निकल गया है और इसका डिस्प्ले ऑलमोस्ट 100% जा ही चुका था। तो अभी हम इसे साफ़ करेंगे अच्छे से और फिर इसे डीजल नया चेंज करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी ऑयल भी लेवल चेक कर रहे हैं हम लोग, ऑयल है कि नहीं है। और उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगा पंप को कैसे प्रेस करते हैं और फिर इसे फिटिंग करेंगे जैसा है। यहाँ पे चार रंग का लिंक लगता है, मतलब तेरी गाड़ी को नहीं खा पाती है, 390 को खा जाती है। तो 600 CC की है ना, वो 400 CC की .4 का ऑयल रहता है जो बहुत लेवल, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दिखेगा कि एकदम लो लेवल है। तो अभी हम .4 डालेंगे उसके अंदर और फिलहाल रबड़ इसके अंदर लगा देते हैं ताकि गिरे ना। देखिए इसका डिस्पेट जो ओरिजिनल मैंने बेनेली शोरूम से मंगाया था 680 का है, जो मैंने बहुत से जगह पे पूछा, कोई 1500 बोल रहा है, कोई 2000 बोल रहा है, कोई 6000 बोल रहा है। जब मैं बेनेली शोरूम में गया तो मुझे ये बहुत कम में मिला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोई 1500 बता रहा है, कोई 3000, कोई 6000 बता रहा। और फिर ये मेरे को मतलब 880 रुपये में बेनेली का ओरिजिनल जो कंपनी से लगा हुआ आता है वो मुझे मिला तो बहुत अच्छा लगा। वो मेरे को इतना ही लग रहा था कि ये महंगा है, ये सस्ता ही लगा है। तो सो अभी हम इसमें लगाएंगे इसे। तो सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम इसका डिस्प्ले निकाल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रहता है अंदर। ये देख सकते हैं
गोल्डन टाइप का है और अंदर बाहर सब में पार्ट नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, देख सकते हैं। तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, लगेगा कि नहीं। उसका पंप जो बाहर है उसे हम अंदर करेंगे, उसका एयर निकालेंगे और फिर पीछे फिटिंग करेंगे। तो इसका पैड जो पिस्टन अंदर डालने के लिए हल्का सा एयर का बोल्ट खोलने के बाद में वहाँ पे डिस्क पैड लगा के आप दबा सकते हैं, वो अंदर जो डिस्क ब्रेक पैड का जो पंप रहता है वो अंदर चला जाता है। जैसे आपने देखा कि ये पंप पूरा हम लोग ने एकदम लेवल अंदर कर दिया है, यहाँ से एयर निकालते पहले, उसके बाद में फिर मंकी पकड़ से दबाते हैं। जैसे ये लग चुका है और अभी हम इसका डिस्पैड डालेंगे, पहले साफ करेंगे कपड़े से, उसके बाद में फिर डिस्पैड अंदर लगा के फिटिंग कर देंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे डिस्पैड लगाना, थोड़ा साफ कर लेते हैं क्योंकि तो ब्रेक ऑयल जो निकला था वो थोड़ा ब्रेक ऑयल लगे जाएगा तो ब्रेक कम पकड़ेगा, इसके कारण पहले साफ करने के बाद फिर लगाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो स्प्रिंग लीड एंड स्प्रिंग लगाने के बाद में इस पंच पिन को हमने खोल देंगे अंदर की तरफ और ये कंप्लीट फिटिंग हो जाता है, क्योंकि वो अंदर पिन में लॉक रहता है तो लॉक को एकदम कंप्लीट हो जाता है फिटिंग। तो ये फाइनली हो चुका है और अभी हम इसे लगा देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा फाइनली खाना बना ना, कुछ डेडी से बनाएगा तो लेके डेडी से पूछना, बनाएगा तो लेके आ जाते हो खाना है तो। ये लूज क्यों है? हाँ इसका नट लगता है अंदर का लूज, ये ब्रेक बोल्ट टाइट टाइट कर। हाँ तो उसको खाने का तो बनाएगा तो बना ले। फाइनली टायर घुमा के दिखाइए भाई, टायर कंप्लीट हो चुका है, डिस्पैड लग गया है और अब हम ब्रेक पंप करके देखेंगे कैसा लगेगा। नहीं तो फाइनली जैसे आप देख सकते हैं अभी हमने इसको पंप किया और अपना ब्रेक ऑयल भी कम हो रहा है। ब्रेक ऑयल कंप्लीट हो गया है और ये यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है बेचारे इनके लिंकी से। तो सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं फाइनली डिस्पैड हमारा लग चुका है और अभी मैं आपको ब्रेक मार के भी दिखाता हूँ। जैसे तो ये फाइनली हो चुका है और अब हमें गाड़ी क्लीन कराने लेके जाना है और अब गाड़ी वॉश के लिए जा रही है। तो थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी गाड़ी के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सो गाइस हम लोग वॉश करने आए हैं बाइक को, अभी देख सकते हैं तो पूरा फुल से वॉश करा रहे हैं और उसके बाद फिटिंग करके गैरेज पे लेके जाएंगे, फिटिंग करेंगे, लूपिंग करेंगे, सब फाइनली करेंगे। और अभी फिलहाल वॉश करने आए हैं गाड़ी को हम लोग। तो जैसे आप देख सकते हैं फिर वॉश हो रहा है, उसका क्लीन हो जाएगा, उसके बाद सीटा भी हम लोग लगा देंगे। फिर वॉश हो रहा है, वॉश होने के बाद फिर हम गैरेज पे लेके जाएंगे, इसको जो है ब्लीचिंग पॉलिश वॉलिश करना है सब करके देंगे।
फुल घिसाई हो रहा है गाड़ी, तो देख सकते हैं टेम्पो वाश पकड़ के भाई लोग हंस रहे हैं एकदम, पूरा चमका के ही मानेंगे। भाई लोग को बहुत पसंद आया गाड़ी, बोल रहे भाई लोग फोटो खिंचवाना है, अच्छे से चमका रहे दिल पे। तो भाई फुल टेम्पो वाश हो गया है, अभी बस पानी मार के भाई को क्लीन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत प्यारी दिख रही है क्लीन होने के बाद। तो फाइनली हो चुकी है और मैं अब वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि क्लीन करके जाना है हमें। तो भाई गाड़ी फाइनल हो चुकी है, अभी भाई बाइक वॉश कर रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। भाई क्या बोलते गाड़ी कैसी? बहुत अच्छी है गाड़ी, पूछने में बहुत मज़ा आया इसमें, बहुत पसंद है गाड़ी। हाँ, बहुत पसंद है। अभी बैठा के फ़ोटो खींचता हूँ, नहीं तो राउंड मारेंगे। ठीक है भाई, बहुत खुश हो गए गाड़ी को धोते धोते, अभी भाई को फ़ोटो खिंचवा के राउंड मारेंगे। तो सो भाई, जैसे कि आप लोग ने देखा, मैंने बाइक का डिस्पेट चेंज किया, फिर बाइक वॉश कराने लेके गया, और फिर फाइनली अभी ये गाड़ी मेरी, जैसे पॉलिश किया है मैंने इस गाड़ी को, पॉलिश करने के बाद थोड़ा ग्रेसिंग जो था WD-40 वगैरह जो भी था सब मैंने कर दिया, क्लीनिंग चैन लूप कर दिया है। अब मैं गाड़ी आपको टोटल दिखाता हूँ, और फिर गाड़ी चालू करके साउंड भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि गाड़ी कैसे चमक रही है, और तो आपको यहाँ से मालूम ही पड़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, टोटली पॉलिश एकदम मस्त हो गया है, जिससे कि गाड़ी चमक रही है। और अब ये फाइनल स्टेज पर है, जो शाम को मेरा, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड का ही गाड़ी है, वो फ्रेंड आएगा गाड़ी लेने के लिए, तो इसके लिए मैंने ये गाड़ी टोटली रेडी करके रख दिया है, और देख सकते हैं आप मस्त हो गया, गाड़ी चमक गई है। और अब मैं इसी गाड़ी आपको चालू करके दिखाता हूँ। मैं जो इस गाड़ी का जो आवाज़ इतना प्यारा है कि क्लच पकड़ना पड़ेगा, और दूसरा कोई है नहीं मेरे साथ, तो मैं पहले चालू करता हूँ। सो रहा था बाजू में, वो उठ के आ गया अचानक, मेरे को बहुत हंसी लगी। तो सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।